त्योहारी सीजन आ चुका है और बाजारों में भीड़ बढ़नी स्वाभाविक है, जिसमें बाजार में अव्यवस्था फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसे देखते हुए व्यापारियों के अलावा अब निगम भिलाई भी एक अनूठी पहल करते हुए निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाई है, तो त्योहारों पर बाजारों में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था पर नजर रखेगा और दुरुस्त भी करेगा। त्योहारों का सीजन आ गया है। चारों तरफ मार्केट क्षेत्र में खरीदी करने के लिए ग्राहक मार्केट में आ रहे हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा सभी प्रमुख मार्केटों में मार्किंग करवाई गई है। एक सर्वे के दौरान सामने आया है कि बहुत से दुकानदार अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी एवं उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अपने वाहनों को अपने दुकान के सामने किनारे में लगा देते हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित होता है। उसी के सामने ग्राहक भी बेतरतीब ढंग से गाड़ी लगा देते हैं, जिससे पूरा रास्ता जाम हो जाता है। कुछ व्यापारियों द्वारा सामान की ढुलाई भी दिन के समय में करवाई जाती है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा या ठेला रिक्शा मार्केट में चलते हैं। इससे भी रास्ता बुरी तरह से जाम हो जाता है। निगम भिलाई आयुक्त बजरंग दुबे ने सभी अधिकारियों के आदेश ड्यूटी जारी किए हैं और इसके लिए टीम गठित की गई है। यह सभी टीम के लोग आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, कोहका रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, नंदिनी रोड, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, जिलेबी चौक और कैंप एरिया में आवागमन करने वाले एरिया एवं पार्किंग एरिया को व्यवस्थित करवाएंगे। सभी लोग गाड़ियां वहीं खड़ी करें जहां पार्किंग स्थल है। साथ में माल की ढुलाई दुकान बंद होने के बाद की जाए। दिन के समय माल ढुलाई करने से रास्ता बाधित होता है। कभी कभी गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग होने के कारण लोगों को चोट भी लग जाती है। अभी जो त्योहारी सीजन आ रहा है दीपावली और छठ में, तो मार्केट में इस समय खरीदारी बढ़ जाती है, ग्राहक लोग आते हैं जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए नगर निगम के आयुक्त महोदय श्री बजरंग दुबे जी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी हमारे जोन कमिश्नर हैं, हमारे जोन के सुपरवाइजर हैं, साथ में जोन के जो राजस्व अधिकारी हैं, सब लोग मॉनिटरिंग करेंगे मार्केटों के बीच में कि किसी प्रकार का लोग जो है मतलब गाड़ियों को बाहर न लगाएं। और हमने कल सर्वे भी किया ना, तो उसमें एक बात पता चला है कि ज़्यादातर व्यापारी कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी गाड़ियों को अपने दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं, साथ में उनका स्टाफ के लोग खड़ा कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, कुछ रास्ता तो खुद जाम कर लेते हैं, उसके बाद उनका ग्राहक आ गया तो और गाड़ी खड़ा कर दिया, तो ऐसे करके रास्ते जाम हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि व्यापारिक वर्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट चल रहा है कि आया त्यौहार चलो बाजार, तो हम तो कह रहे हैं आया त्यौहार चलो बाजार, लेकिन तब होगा जब उनको हम सही सुविधा देंगे। तो नगर निगम पूरी व्यवस्था कर रही है सुविधा देने के लिए, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, सब लोग संवेदनशील हैं सुविधा देने के लिए, लेकिन सबसे अपील है कि उन्हीं सहयोग करें, अपने गाड़ियों को पार्किंग स्थल पे ही रखें। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं महापौर नीरज पाल ने सभी व्यापारियों से एवं ग्राहकों से अनुरोध किया है कि गाड़ियों के पार्किंग बनाए गए हैं, इसलिए पार्किंग स्थल पर ही गाड़ियां खड़ी करें, आवागमन को बाधित ना करें। त्योहार का सीजन है, लोग घरों से निकलकर सामान खरीदने के लिए आते हैं। पार्किंग में बेतरतीब गाड़ियां खड़ा कर देने से पार्किंग बाधित होता है। इसे देखते हुए ग्राहकों का सहयोग करना अति आवश्यक है। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।